राजकीय कन्या मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालय सुखराली एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है जहां लगभग 300 छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। यहां बच्चों का शारीरिक, मानसिक, भौतिक व भावनात्मक विकास संभव है, जिसमें अध्यापकों की कड़ी मेहनत, SMC सभा, ग्राम पंचायत व अभिभावकों का महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ खिलौना आधारित शिक्षण को अपनाया जाता है, जिससे शिक्षण को आनंदपूर्ण व रोचक बनाया जा सके। इसके साथ साथ नई शिक्षा नीति 2020 के तहत भारत के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा अक्टूबर 2022 में जादू पिटारा लॉन्च किया गया। यह सीखने सिखाने के माहौल को समृद्ध करने का अवसर प्रदान करता है। जादुई पिटारा एलिमेंट्री लेवल के बच्चों में पढ़ाई के प्रति दिलचस्प और रुझान बढ़ाने में मददगार साबित हुआ है। वह टीचिंग स्कूल में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। यह कक्षा 1 से 3 तक के लिए था, लेकिन इस कॉन्सेप्ट ने हमें इतना प्रभावित किया कि हमने इसे बाकी कक्षाओं के लिए भी लागू करवाया। इस पिटारे में बच्चों के लिए खिलौने, कठपुतलियाँ और दिलचस्प कहानी, इसके अलावा खेल, चित्रकला, नृत्य व संगीत पर आधारित शिक्षा जादुई पिटारा में शामिल होंगी। नई शिक्षा नीति के तहत लाए गए इस पिटारे का उद्देश्य बच्चों का समग्र विकास करना है। इसके अलावा शिक्षा का मतलब सिर्फ किताब ही नहीं, बल्कि इसके अलावा कई अन्य चीज़ें भी शामिल की गई हैं। खेलों में बच्चे की स्वाभाविक रुचि होती है। बच्चा पढ़ने लिखने के बजाय खेलना ज़्यादा पसंद करता है, तो इसलिए हम शिक्षा को खेल के साथ जोड़ के पढ़ा रहे हैं। हर एक सब्जेक्ट में, चाहे इंग्लिश हो, मैथ हो, हिंदी, EVS, हर एक क्षेत्र में हम खेलों के साथ बच्चे को वो टॉपिक जोड़ के पढ़ाते हैं, तो बच्चे को पता ही नहीं चलता खेल खेल में उसने वो चीज़ें कब क्लियर कर ली, और बच्चे को वो पढ़ाई भी बोरिंग नहीं लगती। खेलों से हम बच्चे का शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक विकास होता है। शारीरिक विकास के लिए हम आउटडोर इंडोर गेम करवाते हैं। आउटडोर गेम में हम कबड्डी, खो खो, पिट्ठू, कई तरह के खेल खिलवाते हैं, क्रिकेट भी करवाते हैं। और इंडोर गेम में बच्चा वीडियो गेम, लूडो और कहानी बनाना, कोई भी अच्छी सी कहानी सुनाते हैं उससे बच्चे को, शब्द, जैसे बच्चों को शब्द सिखाते हैं तो ऐसे शब्दों को तोड़ तोड़ के बच्चा उसको जल्दी सीख लेता है, इससे बच्चे का बौद्धिक विकास भी होता है। और बच्चे को खेल खेल में ही सारी वो शिक्षा दी जाती है। खेलों से हम बच्चे में नेतृत्व की भावना, समानता, भाईचारे की भावना और मिलकर काम करने की भावना को अच्छे से विकसित कर सकते हैं। एक्टिविटी करेंगे जिसमें हमारी जादुई पिटारे के अंदर क्या है, ये फ्लैश कार्ड, क्या है, फ्लैश कार्ड। इसके द्वारा हम क्या करेंगे, आज एक एक्टिविटी करेंगे। ये क्या है, सोल्जर। और इसके अलावा हमारी क्लास में भी जो चीजें है वो बताओ, ये क्या है, एबल। और जिस जहाँ पे आप हो पढ़ाई करने के लिए आते हो उस जगह को क्या कहते हैं, स्कूल। स्कूल किस चीज का नाम है, एक प्ले का नाम। चलता ये क्या है, कछुआ। ये क्या है, कछुआ। कौन सी कैटेगरी में आएगा, एनिमल। और इसको हम कहाँ डाल देंगे, एनिमल, एनिमल में। रिया आप देखो, हम अपना जादुई पिटारा फिर से खोलते हैं, आप देखो इसमें से क्या निकला, हाउस। हाउस क्या, हमारा नेम है। तो इसको हम कहाँ डाल देंगे, कौन सी कैटेगरी में रखेंगे, कहाँ पे रख देंगे। डियर एडुकेटर्स, The toy-based pedagogy is a teaching-learning approach based on learning through toys and games. Integration of toys and games for learning means that toys and games are in the center of the curriculum and help in simplifying and clarifying and concreting abstract concepts. Toy integration is the curriculum that provides means to bridge off different subjects in logical and learner-centric game. It's an efficient tool developing 21st century skills like creative and critical thinking, reasoning, problem solving, communication skills, adaptability, etc. And the list is so on. I hope the toy-based pedagogy is loved by everyone. Happy teaching, happy learning. इस वीडियो में हम देखेंगे समय का अनुमान लगाना, घड़ी में समय को घंटों और मिनटों में देखना सिखाना, पूर्वाहन और अपवाहन की अवधारणा को समझाना, घंटों को मिनटों में बदलने वाले साधारण सवाल हल करवाना और सप्ताह, महीना और साल की अवधारणा को कैलेंडर से समझाना।
चलिए अब इसे विस्तार में समझते हैं। आज हम करेंगे बच्चों अपोजिट वर्ड्स। क्या करेंगे? अपोजिट वर्ड्स। आप लोगों को पता है अपोजिट वर्ड्स क्या होते हैं? उल्टे अर्थ, यानी कि जो भी मैंने बोला यानी कि उसका कुछ भी उल्टा। पिक अपोजिट वर्ड क्या होगा? क्या होगा? क्या देखे आप? प्राची का आंसर ठीक है? सैड। वेरी गुड। तो प्राची का आंसर क्या है? बिल्कुल सही। ये है नेक्स्ट वर्ड है गुड। क्या है? गुड। सनम स्टैंड अप। गुड का अपोजिट वर्ड क्या होगा? बैड। क्या होगा? बैड। बैड। वेरी गुड। रिचा येलो। वेरी गुड। आरुषि वेरी गुड। And next ice cream, Anshika. Well, तो सभी बच्चों को ice cream मिली? Yes. I love colors. I love colors. Yes, I do. Yes, I do. Red and pink. Red and pink. Yes, I love colors. Yes, I love colors. स्कूल में कंप्यूटर एजुकेशन दी जाती है 3 से लेकर 5th क्लास के बच्चों को। कंप्यूटर में बेसिक चीजें सिखाई जाती है जैसे कि नोटपैड, एमएस ऑफिस पेंट, और साथ ही हमारे स्कूल में कंप्यूटर से रिलेटेड एक लर्निंग स्टेशन भी लगा हुआ है जिससे बच्चे गेम के थ्रू अपने माइंड को बिल्ड करते हैं। बच्चे को लगता है कि वो गेम है बट बच्चों को ये नहीं पता वो गेम के थ्रू अपनी एजुकेशन को और इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और नॉलेज गेन कर रहे हैं। अगर इससे आगे जाता है तो एक्सीडेंट हो जाएगा क्योंकि इस साइड